आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय को लेकर बात कर रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर सुबह सुबह आप नाश्ता नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर आप रोज सुबह नाश्ता नहीं करते तो आप गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। आपके पेट में पत्थर भी पड़ सकते हैं। ये कोई गप नहीं है बल्कि हकीकत है। एक अजीबोगरीब मामले में एक महिला के पेट में 200 से ज्यादा स्टोन निकले हैं। डॉक्टरों ने पेट में इतने सारे स्टोन बनने का जो कारण बताया है वह चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि महिला सुबह नाश्ता नहीं करती थी इसलिए उसकी ये हालत हुई। उनके पेट में 200 से ज्यादा पत्थर मिले हैं। आप भले ही इसको सुनकर एक बार तो चौंक जाएंगे लेकिन ये घटना चीन के हैंजोउ शहर स्थित ग्वांगजी हॉस्पिटल की है जहां एक महिला का ऑपरेशन करके उसके पेट से 200 से अधिक स्टोन निकाले गए। 45 साल की इस महिला का नाम मिस चेन बताया गया है। ये स्टोन उसके गॉल ब्लैडर और लीवर में थे। इनका साइज छोटे कंकड़ से लेकर अंडे के बराबर था। इस महिला को 10 साल पहले पेट में दर्द हुआ था लेकिन ऑपरेशन के डर की वजह से उसने स्टोन नहीं निकलवाया। धीरे धीरे स्टोन की संख्या बढ़ती रही। हाल ही में जब दर्द असहनीय हो गया तो उसे ऑपरेशन कराना ही पड़ा। इस ऑपरेशन में 6.5 घंटे लगे। उसका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कुआन जुबेई का कहना है कि नाश्ता न करने के कारण उसकी ये हालत हुई। जब महिला से पूछा गया तो उसने कहा कि वो सुबह का नाश्ता कभी करती ही नहीं। डॉक्टर जुबेई के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सुबह का नाश्ता नहीं करता है तो उसके गॉल ब्लैडर में संकुचन या फैलाव नहीं होता है। इससे वहाँ एक पीले भूरे रंग का लिक्विड बनने लगता है जिसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जमा हो जाता है जिसके चलते गॉल ब्लैडर और लीवर में स्टोन बनते हैं। दोस्तों इस खबर को सुनकर आपसे गुजारिश है कि आप सुबह का नाश्ता कभी भी मिस ना करें, टाइम से सुबह का नाश्ता करें और अपने काम पर चलें। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।